अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से GST के 11 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। अब हर रोज मुंबई ट्रेवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GST क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। दीपावली के मौके पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए 100 रुपए में आनंद किट दिया जा रहा है। वहीं भिवंडी शहर में इस किट के वितरण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भिवंडी महिला अध्यक्ष स्वाति कामले ने अपने महिला मोर्चा समेत राशन अधिकारियों को मिठाई के डिब्बों में मिट्टी और पत्थर भरकर भेंट दिए। JNPT डॉग नवाशिवा से एक कंटेनर एनिकॉट सी नामक रसायन लेकर भिवंडी मानकोली स्थित इंडियन कॉरपोरेशन के वेयरहाउस में लाया गया, जहां वेयरहाउस के स्टाफ ने कंटेनर की सील दूसरी पाई, जिस पर रसायन के 12 डिब्बे कम मिले, जिनकी कीमत करीब 2,21,000 रुपये बताई जा रही है। इसकी शिकायत ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अमोल हांडे ने नारपोली पुलिस स्टेशन में कराई दर्ज। भिवंडी के पिरानीपाड़ा में स्थित गुलाबी बिल्डिंग में कमरुजमा नामक व्यक्ति ने वैदा शहनशाह शेख से एक फ्लैट किराए पर लिया था और कई महीनों से उसका किराया नहीं दिया। जब वैदा ने अपना किराया मांगा तो कमरुजमा और उसकी पत्नी ने वैदा को लकड़ी और डंडे से पीटना शुरू किया। इसकी शिकायत वैदा शहनशाह शेख ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कराई दर्ज। वहीं कमरुजमा की पत्नी रूबिका ने भी इसकी क्रॉस कंप्लेंट करवाई। आज सुबह 11 बजे मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप की सेवा ठप पड़ गई थी, जिसके बाद लोगों में अजीब बेचैनी पाई गई। महज आधे घंटे में ट्विटर पर व्हाट्सएप डाउन का हैशटैग ट्रेंड करने लगा और इसके कई सारे मीम्स भी वायरल होने लगे। कंपनी ने बताया कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से सर्वर डाउन हो गया था। 3 घंटे बाद व्हाट्सएप की सर्विस दोबारा शुरू हुई। शिंदे फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार में खटपट को रोकने के लिए तेज हुई हलचल। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया। वहीं CM एकनाथ शिंदे ने प्रेस में बताया कि सही समय आने पर मंत्रिमंडल के विस्तार का काम पूरा किया जाएगा और इस विस्तार में उन विधायकों को मौका दिया जाएगा जिन्हें पहले मौका नहीं मिला। इस दिवाली के मौके पर मुंबई में पिछले 3 दिनों के दौरान आग लगने की 85 घटनाएं घटित हुई है, जिनमें से 37 घटनाएं पटाखों की वजह से हुई। मंगलवार को मुंबई दमकल विभाग ने इसकी जानकारी दी। सौभाग्यवश इन घटनाओं में कोई जानहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मरीज को फल का जूस चढ़ाने वाले अस्पताल में चिपकाया गया दहाए जाने का नोटिस। प्रयागराज के इस निजी अस्पताल पर बिना नक्शे पास किए भवन बनाने के चलते उसे ध्वस्त करने का नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें डेंगू के मरीज को प्लाज्मा की जगह कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में इमारत के मालिक को 3 दिन में जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया है। आज सेंसेक्स 287 अंकों की गिरावट के साथ 59,543 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 74 अंकों की गिरावट के साथ 17,656 पर हुआ बंद। गोल्ड 51,003 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 57,430 और क्रूड ऑयल 7,229 पे ट्रेड करते हुए।